लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंगलवार कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में इंदौर के ऋषि विहार रहवासी संघ के लोग अपनी समस्या लेकर आए। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने के कारण जो रेडिएशन निकल रहा है उससे रहवासी गंभीर बीमार हो रहे हैं, साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो रही हैं। आज कैंसर डे होने के कारण एक बार फिर जनसुनवाई में सभी रहवासी टावर की समस्या को लेकर आए। उनका कहना है कि टावर लगने के पहले तक कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन टावर लगने के समय से अब तक 20 से 30 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। रहवासियों ने कहा कि कलेक्टर जनसुनवाई में इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत को लेकर हर तारीख पर आते रहे हैं, लेकिन एक तारीख को रहवासी नहीं आ पाए तो उनका केस खारिज कर उन्हें कह दिया कि हाईकोर्ट में जाए। उनका आरोप है कि आप कॉलोनी का सर्वे करेंगे तो चौंक जाएंगे कि लगभग हर घर में एक कैंसर का मरीज मिल जाएगा। चूंकि आज कैंसर डे था तो इसके लिए एक बार फिर जनसुनवाई में कार्रवाई को लेकर आए हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। और मेरा आज मुद्दा है कैंसर, जो कि आज कैंसर डे है और हमारी कॉलोनी में टावर लगा हुआ है। पहले जब टावर नहीं लगा था तब हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, बाकी जब से टावर लगा है तो हमारे कम से कम 25-30 के अंदर तो डेथ हो चुकी है और कुछ इतने ज्यादा लोग अभी कैंसर से पीड़ित है और सडनली अभी एक डेथ हुई है 8-10 दिन के अंदर और अभी एक तुरंत किसी को कैंसर हुआ है। हम इसलिए आए कि हमारे मतलब देखा जाए कि कितना उसका रजिस्ट्रेशन है, कितना है, मतलब देखा जाए। और हम लोग सभी इससे मतलब हमको भी लगता है कि कम से कम भी इसके चपेटे में आ सकते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।